मथुरा से है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा कोशी आए कार्यक्रम में और उन्होंने कहा न्यायालय के द्वारा भगवान कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर ईदगाह से मुक्त होगा। उन्होंने कहा हिंदू अब जाग चुका है और अपने मंदिर की लड़ाई जारी रहेगी। इस वक्त अवसर पर सभी वक्ताओं ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए एक स्वर में आवाज बुलंद की। भाजपा मथुरा जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने कहा कृष्ण जन्मभूमि के लिए बच्चा बच्चा तैयार है। समाज सेवी राजेश पाठक ने कहा कृष्ण जन्मभूमि के लिए सभी साधु संत और ब्रजवासी तैयार हैं। जी आप बताएं आज जो कार्यक्रम आयोजित किया किस समय आयोजित किया गया है? कोसी महानगर में आज बुजुर्गों का और यहाँ जो पुनीत कार्य कर रहे हैं उन सभी लोगों का स्वागत सम्मान समारोह था। ये अखिल भारतवासी ब्राह्मण महासभा के बैनर तले कार्यक्रम था, उसमें हमें भी आने का मौका मिला और यहाँ के जितने भी सभी माननीय सम्माननीय हिंदूवादी लोग थे सभी ने हमें बहुत सम्मानित किया, स्वागत किया। हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश में सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। यहाँ भगवान विष्णु का और भगवान शिव का अस्तित्व तब से है जब इंसान का जन्म भी नहीं हुआ था। तो सनातन धर्म के बारे में जो लोग कहते हैं, कुछ लोग उंगली उठाते हैं, कुछ लोग रामायण पर महाभारत पर अपनी टिप्पणी करते हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। सनातन धर्म से प्राचीन कोई धर्म ही नहीं है। इस्लाम धर्म तो 1400 साल पहले आया है जबकि हमारे वेदों की रचना 6000 वर्ष पुरानी है। तो हमने सभी से यही कहा था कि सनातन धर्म के बराबर कोई धर्म नहीं, आप सभी सनातन धर्म की लड़ाई लड़ें। मथुरा में हम कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहाँ से ईदगाह जरूर हटेगी। हमने सभी भाइयों से यहाँ आग्रह किया कि सभी लोग हमारा सहयोग करें जिससे हम जल्द से जल्द भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटा सके। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। पुलिस ने युवक की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें थाना भगतपुर क्षेत्र में कुछ दिन पहले 3 दबंग लोगों द्वारा युवक को ग्राम निवाड़ा खास के जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट की, उसके बाद उसके सर पर ईंट से हमला करा, उसकी हत्या कर दी, जिसके चलते उसके शरीर पर बाइक चलाई जिससे पुलिस को शक ना हो सके उसकी हत्या की गई है। वही मर्डर को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने परिवार की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में मुरादाबाद SP हेमराज मीणा ने घटना की वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि युवक की हत्या उसके मकान पर कब्जा करने के लालच से की गई है और उसके मकान में किराए पर 3 लोग रह रहे थे और वह उसका मकान खाली नहीं कर रहे थे। जब उसने मकान खाली कराने को कहा तो 3 लोगों ने युवक की हत्या करने की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी। एक घटना हुई थी थाना भगतपुर क्षेत्र में, जिसमें बादी कमरुद्दीन ने सूचना दिया था कि उनके जो भाई है उनकी किसी व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई है और उनकी जो डेड बॉडी है वो खेतों के बीच में जो खड़ंजा बना हुआ है वहाँ पर मोटरसाइकिल और डेड बॉडी वहाँ पे उनकी मिली थी। इसी पे तत्काल थाना भगतपुर की टीम क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा और SPRA साहब के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें एक नामजद तहरीर पर 4-5 लोगों के विरुद्ध इसमें प्राप्त भी हुई थी परिजनों के द्वारा। पुलिस ने चूँकि घटना में कोई चश्मदीद गवाह नहीं थे तो पुलिस ने इसमें टीम बना के और इसमें हम लोगों ने कार्रवाई की और इसमें आज 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अलीम है, अलीम बेग पुत्र तस्लीम बेग, ये थाना मल्लूपुर थाना भगतपुर के रहने वाले हैं, ग्राम मल्लूपुर के। एक नाहिद पुत्र सफात खां हैं, ये ग्राम मल्लूपुर थाना भगतपुर के रहने वाले हैं। और आदिल पुत्र खलील निवासी जमींदारान थाना भोजपुर जनपद के रहने वाले हैं। ये जो मृतक है ये बेसिकली थाना भोजपुर के रहने वाले थे और भगतपुर और भोजपुर के बॉर्डर पर इनका एक बगीचा था जिस पे ये रात्रि में अक्सर सोने जाते थे और उस दिन भी ये ऐसे ही घर पे बता के गए थे कि मैं बगीचे पे जा रहा हूँ। और उसके बाद में सुबह इनकी डेड बॉडी मिली। हम लोगों ने जब इसमें पूरी जांच पड़ताल किया गया तो इसमें जो अलीम नाम के जो व्यक्ति है इसके बारे में जानकारी मिली कि इसके द्वारा इस घटना को प्लान बना के किया गया है और इसमें आदिल और नाहिद इन दोनों का भी साथ है। आदिल इसके जो चचेरे भाई हैं उनका लड़का है और इनकी जो एक मकान में करीब 12-15 साल पहले रियायुद्दीन के पास में काफ़ी ज़मीनें हैं, काफ़ी मकान हैं, तो इन्होंने एक मकान इनको किराए पर दे रखा था जिसमें कि 12-13 साल से रह रहे थे और
बादी जो मृतक है वो इसको खाली कराना चाहता था, लेकिन जो आदिल और इसके जो परिजन है वो मकान को खाली नहीं कर रहे थे और इससे पैसे की लेन देन की बात चल रही थी कि तुम 15 लाख रुपये ले लो और ये मकान हमको दे दीजिए, लेकिन इनके द्वारा मना कर दिया गया कि आप पैसा भले मेरे से ले ली लेकिन मेरा मकान आप खाली कर दीजिए। इसी पर इन लोगों ने फिर जब इन्होंने मकान जब नहीं दिया है तो इन्होंने अलीम को ये काम सौंपा और अलीम के माध्यम से इन्होंने इसको रास्ते से हटाने के लिए इस तरह की जो घटना है उसको पूरी प्लान तरीके से इसको पहले बुलाया गया और बुला के इससे बातचीत की गई। जब ये नहीं माना तो ईंट के द्वारा प्रहार करके इनके सिर पर पहले इनको घायल किया गया और उसके बाद में जो इनके पजामे को जो बांधने की जो रस्सी होती है डोरी उसी से इनका गला घोट के हत्या की गई और उस हत्या को फिर एक तरीके से लूट और इस तरह का मुरादाबाद से रहानंद सारिक रिपोर्ट जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। मथुरा ब्रज मंडल में होली पर्व की धूम मची हुई है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में प्रसिद्ध श्री द्वारिकाधीश मंदिर में होली रसिया गायन की धुन पर श्रद्धालु झूम झूम कर नाच रहे हैं। ब्रजनाम मंडल में होली पर्व का अपना अलग ही विशेष महत्व है। बसंत पंचमी के बाद से शुरू हुई होली पर्व की धूम 40 दिनों तक चलती है। इसी कड़ी में प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर में ढोल नगाड़े की धुन पर होली रसिया गायन में श्रद्धालु पूरी तरह से होली की मस्ती में सराबोर हो जाते हैं। यह नज़ारा है मथुरा के प्रसिद्ध श्री द्वारिकाधीश मंदिर का, जहां होली रसिया गायन के साथ होली पर आने का संदेश दे रहे, आइए आपको दिखाते हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। होटल के बंद कमरे में फांसी पर लटका मिला युवक का शव, मचा हड़कम। आपको बता दें मुरादाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्टेशन रोड पर स्थित होटल कार्मेन के रूम नंबर 104 के बंद कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने कमरा खोलकर शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक दिल्ली के रहने वाला बताया जा रहा। युवक की मुरादाबाद के होटल के कमरे में हुई मौत। कमरे के अंदर मिला सुसाइड नोट। परिवार से आहत होकर युवक ने की आत्महत्या। युवक की मौत के मामले में जांच में जुटी मुरादाबाद पुलिस। आज रेलवे स्टेशन के पास होटल कार्मेट है, उसके रूम नंबर 104 में दरवाज़ा लॉक था। मैनेजर ने शिकायत की कि दरवाज़ा अंदर से कोई खोल नहीं रहा है, तो हमारे थाने की फोर्स जब वहाँ पहुँची और दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक
व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी और आईडी पे जब पता किया तो उसका नाम मोहित कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार रहने वाले मुखर्जी नगर दिल्ली, यह उस आईडी में पता लिखा हुआ था और जिसकी उम्र 21 वर्ष है। और हमें उस रूम से एक सुसाइड लेटर भी प्राप्त हुआ है जिसमें उसने अपने घर वालों से आहत होकर यह कार्य आत्महत्या की यह मिला है और उनसे घर वालों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे हम उनको सूचना दें और अग्रिम कार्रवाई के द्वारा उनसे द्वारा जो भी तहरीर मिलेगी उस पर कार्रवाई होगी। परिवार का अभी प्रयास किया जा रहा है, अभी प्रयास उनके परिवार तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, इसका फ़ोन क्योंकि लॉक है और सर्विलांस की टीम के द्वारा CDR से जो लास्ट डायल कॉल्स हैं और वो कॉल की लिस्ट निकाली जा रही है। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर मथुरा से है। थाना छाता पुलिस व स्वाट टीम द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान खास मुखबिर सूचना पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले दो शराब तस्करों को उस समय गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है जिस समय शराब तस्कर शराब को एक ट्रक आयकर कैंटर में जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लग कर चंडीगढ़ से भरकर तस्करी के लिए ले जा रहे थे। इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस द्वारा चौकी दोस्ताना के पास दिल्ली मथुरा रोड NH-19 पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान कोसी कला की तरफ से आ रहे एक ट्रक को चेकिंग हेतु रोकने का इशारा किया गया तो पुलिस को देखकर ट्रक का ड्राइवर व उसका साथी ट्रक से उतरकर भागने लगे जिसे पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उनको पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्तियों से भागने का कारण पूछा तो पकड़े गए व्यक्तियों ने बताया कि हम दोनों अपने ट्रक मालिक के साथ मिलकर ट्रक में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अवैध शराब की तस्करी का काम करते हैं। वहीं पकड़े गए ट्रक पर लगे तिरपाल को हटाकर देखा गया तो ट्रक के अंदर कचरे के बोरे के साथ भिन्न भिन्न ब्रांड की शराब की पेटियां भरी हुई थी। ट्रक से शराब की कुल 220 पेटी बरामद हुई है। बरामद शराब की कुल कीमत लगभग 16 लाख रुपए व ट्रक की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई। SPRA और CO छाता के क्लोज सुपरविजन में थाना छाता टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए इंडियन मेड फॉरेन लिकर की 220 पेटी एक आयशर कैंटर के साथ बरामद की है जिसमें कुल लगभग 1980 लीटर शराब पकड़ी गई। ये अलग अलग साइजेस में इनके बॉटल्स उसमें थे। ये चंडीगढ़ में सेल के लिए अधिकृत थी। ये स्मगल्ड करके हरियाणा से उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार होते हुए बंगाल जानी थी। दो अभियुक्त इसमें अभी गिरफ्तार किए गए हैं जिनके नाम टोनी पासवान और सोनू कुमार हैं। ये दोनों जनपद रोहतास बिहार के रहने वाले हैं। ट्रक का जो मालिक है संतलाल उसका नाम इसमें प्रकाश में आया है जिसने इस कंसाइनमेंट को इन कैरियर्स को सुपुर्द किया था और एक नाम इसमें और विकास नाम के व्यक्ति का जो बहादुरगढ़ का रहने वाला है उसका नाम भी प्रकाश में आया है। ये दोनों लोग वांछित हुए हैं और जो ट्रक की तहकीकात की गई तो ये पता चला कि इस पे जो नंबर प्लेट लगा है UP-14 सीरीज़ का वो फर्जी है और इसके इंजन नंबर 25 नंबर से इसे ओरिजिनल नंबर का पता लगाया गया है। सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही जो शेष दोनों अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे पूछताछ में जो इसके फर्दर चेन है उसके बारे में जानकारी मिलेगी और इसमें आगे की कार्रवाई इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई भविष्य में सुनिश्चित की जाएगी। पकड़े गए शराब की कीमत क्या? पकड़े गए शराब की कीमत मार्केट में लगभग 16 लाख। अच्छा जो टीम है उसको क्या इनाम? हाँ जो टीम है उनको जो है 10 लाख रुपये 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार जो है 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार उनको दिया गया। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। चलती कार में लगी आग, नहीं पहुंची अग्निशामक विभाग की गाड़ी। आपको बता दें यह पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मुरादाबाद क्लब के पास चलती कार में भीषण आग लगी। आग लगने से रोड पर हड़कंप मच गया जिसके कारण कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। अगर जानकारों की माने तो बड़ा हादसा होने से टला है। राहगीरों का कहना है कि अग्निशामक की एक घंटे तक कोई गाड़ी नहीं पहुंची। गलीमत यह रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। राहगीरों ने अपने वाहनों को रोककर आग पर काबू पाया जिसके कारण रोड पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी।
मथुरा से मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। बांदा में असामाजिक तत्वों द्वारा मस्जिद में तोड़फोड़ करने वाले की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मुरादाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, बीते दिनों उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में असामाजिक तत्वों द्वारा एक मस्जिद में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया था। वहीं जिसको लेकर अब मुरादाबाद जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि बांदा में जिस तरीके से मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही 14 फरवरी को मुरादाबाद के हर्बर पार्क में बैठे प्रेमी प्रेमिका को अपमानित करने के मामले में भी बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की मांग की है। चेयरमैन हूँ जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग मुरादाबाद का। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन माननीय शाहनवाज आलम साहब के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जो हमने मुरादाबाद में भी जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग और महानगर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेतृत्व में दिया है। बांदा में कुछ दिनों पहले एक मस्जिद में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, भाजपा संरक्षित गुंडों द्वारा मस्जिद के निर्माणाधीन गेट में तोड़फोड़ की गई है, उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया है। उसमें जिलाधिकारी की परमिशन से वो गेट में निर्माण हो रहा था। अब ये बताइए कि क्या DM SSP जिलाधिकारी लोकतंत्र और कानून व्यवस्था कुछ नहीं रह गई है? चंद गुंडे आएंगे और प्रशासन के आदेशों को भी, प्रशासन की परमिशनों को भी दरकिनार करते हुए किसी को भी तोड़ देंगे, किसी को भी मारेंगे, किसी को भी पीटेंगे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये पहला मामला है जो इस तरीके से देखा जा रहा है और इसमें पूरी तरीके से अगर कार्रवाई नहीं होती है, NSA उन गुंडों पर नहीं लगाई जाती है, तो हम ये मानेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश सरकार का हाथ है और प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित तरीके से ये कार्य कराए जा रहे हैं। पूरा मामला यही है उन्होंने कि मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की है, उसमें जिलाधिकारी महोदय की परमिशन लेने के बाद अगर गेट में निर्माण कार्य कराया जा रहा था तो उसमें तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है? और अगर कोई चीज़ में आपत्ति भी है तो उसको प्रशासन रोकेगा जाके, ना कि कोई गुंडा वाला अपने गुंडेगर्दी पर जाके रोक लेगा, उसमें तोड़फोड़ करेगा, उसकी शटरिंग फेंकेगा। मुरादाबाद का क्या मामला था? अभी जी ने बताया था मुरादाबाद का ये मामला है कि अभी वैलेंटाइन डे के नाम पर बजरंग दल के लोगों ने पूरी गुंडागर्दी करी है, हर्बल पार्क में जाके महिलाओं को मुर्गा बनाया, महिलाओं से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और उसके बाद जैसे गुंडागर्दी दिखाते हैं बाकायदा स्टैंड करते हुए मोटरसाइकिलों पर, कारों पर डंडे हाथों में लिए हुए ये सब कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र नाम की या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है? क्या मांग की आपने? DM साहब को ज्ञापन दिया है हमने, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन है, इसमें कार्रवाई की मांग की गई है कि इसमें उन लोगों पर NSA लगाई जाए और जो पुलिस बल वहाँ मौजूद था जिनके सामने ये सब कार्य होता रहा, उनके वेतन से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करी जाए और DM SSP को वहाँ के बर्खास्त किया जाए। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।